हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करके बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन, एकदम बेहतरीन, सुपर, खूंखार, खतरनाक तरीके से अपने आवाज क्लियर है दोस्तों। एक बार मुझे सारे के सारे बच्चे बता देंगे भाई, क्या ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली परफेक्ट है? आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करके बताएंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से आवाज क्लियर है। मजेदार तरीके से फटाफट लॉग इन करते जाइएगा, एकदम मिशन मोड में आ जाइए दोस्तों। हर रोज सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के साथ मिलता हूं, और हम लोग क्या करते हैं, हम जो आप सभी के लिए जनरल एग्जाम के हिसाब से दोस्तों क्या चीज है जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस पे, उन सारे के सारे कंसेप्ट से बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपसे कहा है कि हम लोग एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी वाले मोड में काम कर रहे हैं, 40 से 45 मिनट हर रोज मेरे साथ रहिएगा सुबह 8 AM पे। करेक्ट है दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप में से वो बच्चे जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, पहली बार दोस्तों यहां पे आए होंगे, दोस्तों मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और ये मेरे बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसके इस सेशन में जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप YouTube में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे FT Express में और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ना सिर्फ YouTube में, इसके अलावा आप चाहें तो Unacademy के ऐप पे जाके ये वाला कोड यूज कर सकते हैं ST26, वहां पर बहुत सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। और आज तो वेंसडे है यार, आज तो अपन रात के 9 बजे मिलने वाले हैं यार, किस में दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स के सेशन में। इस पूरे सेशन में कोई भी चीज मैं आपको जो बोलूं इनअप्रोप्रिएट लगे बिल्कुल आप बता सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंदुस्तान में 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनको मुझ पर गजब का ट्रस्ट है, वो यहां पर मुझे फॉलो करते हैं दोस्तों। ये रहा प्रोफाइल, यहां पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेक श्योर कीजिएगा आप फॉलो करके रखें, ताकि जितनी भी चीजें मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, द वेरी बेस्ट ऑफ द जो भी चीज आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ना सिर्फ ये एफटी एक्सप्रेस में, आप जो भी हम पढ़ेंगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, मस्त खूंखार खतरनाक तरीके से दोस्तों। बीबीसी में एक आर्टिकल आया, और बीबीसी में आर्टिकल जो आया उसमें लिखा हुआ था हु इज तालिबान, ये आर्टिकल आया दोस्तों बीबीसी में। तो दोस्तों अभी ये चीज क्यों डिस्कस हो रही है, क्या हो रहा है ऐसा, दोस्तों मुझे याद है मैं आपको प्रॉमिस किया था, वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूं। स्टोरी टेलर का सेशन थोड़ा सा प्लीज टाइम दीजिएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करता हूं, थोड़ा आगे पीछे हो गया टाइम, वो थोड़ा सा तबियत ज्यादा खराब हो गई थी मेरी, वैक्सीन सब के चलते, तो थोड़ा ना मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं आपके लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए कहानी लेके आऊं, पूरा हुआ कि अफगानिस्तान में पोस्टर वगैरह सब बना के रेडी है, 40 मिनट का एक रिकॉर्ड कर रहा है मुझे, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये आर्टिकल आया था बीबीसी में, हु इज तालिबान, हुआ ये, ऐसा क्यों डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। 15th of August 2021 इस दिन जिसको आप बोलते हैं एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जिसका नाम है तालिबान, चढ़ बैठे अफगानिस्तान पे, काबुल और सब कब्जा लिया। ये कब हुआ दोस्तों, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी फौज को यहां से बाहर निकाला दोस्तों। दोस्तों याद होगा आपको तालिबान ने दोस्तों, फटाफट डिस्कस करेंगे, ध्यान सुन जाएगा फुल पेस में, और ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा एफडी एक्सप्रेस के चैनल पे दोस्तों। आज से कई साल पहले की बात है, 1996 से लेकर 2001 तक के अफगानिस्तान में शासन किया था तालिबान ने, जब उस वक्त भी इसी तरह की सिचुएशन थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जिस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस रीजन में ना, गल्फ रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में वैक्यूम बहुत ज्यादा, यू नो, ज्यादा समय तक चलता नहीं है, तो वहां पे उस वक्त पे 1996, उसके पहले रशियंस थे आपको याद होगा दोस्तों, फिर यहां से मुजाहिदीन आए और वहां से रशियन आर्मी गई थी, ऐसा बहुत कुछ हुआ था दोस्तों। दोस्तों ये वो दौर था जब कहा जाता है कि तालिबानियंस ने शरण दी थी ओसामा बिन लादेन को, जिसने 9/11 का 2001 का टेररिस्ट अटैक करवाया था, राइट। और इसके चलते जब यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि भाई साहब अपने को बिन लादेन चाहिए, अदरवाइज हम तो आ रहे हैं देख लो फिर, और इस तरह से फिर यूनाइटेड स्टेट्स चढ़ बैठा था। और यहां से आज से 20 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स अपने बाकी मित्रों के साथ, ये मित्र कौन है दोस्तों, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताएंगे नेटो की स्थापना कब हुई थी। मैं नेटो पे एक अलग से पूरा वीडियो मैंने बनाया था, आपको याद होगा कि नहीं, एक बार देख के बताइएगा नेटो कब बना था दोस्तों, जरा बताएंगे मुझे। तो दोस्तों नेटो यूनाइटेड स्टेट्स अपने अलाइड के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ने लीड किया था, और सीधा ये लोग पहुंचे थे कहां पे, अफगानिस्तान में, और बोले भाई साहब अपने को तो व्यक्ति चाहिए, कुछ भी करो नो मैटर व्हाट। दोस्तों ओसामा बिन लादेन जिन्होंने 9/11 जो 9/11 का हमला हुआ था 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो उस जमाने की बात है, सीधा यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा कहां पे, अफगानिस्तान में। दोस्तों ये वो दौर था जब पूरा का पूरा पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर जो है यूएस और उसके अलाइज के हाथ में चला गया था, यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा था नेटो फौज के साथ। दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो जिसको आप तालिबान का नाम देते हैं आज के टाइम पे, जिसको आप तालिबान कहते हैं, ये तालिबान एक बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, राइट। दोस्तों इसका जन्म हुआ था अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में, ये रहा
अफगानिस्तान, ये हो गया दोस्तों उत्तर दक्षिण, तो अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में मतलब सदर्न हिस्से में अफगानिस्तान के यहां पर इसका जन्म हुआ था दोस्तों। इसके जो जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था उनका नाम था मुल्ला मोहम्मद ओमार दोस्तों। शायद तस्वीर हाँ ये आप ये भी बीबीसी में आप चाहो तो दोस्त देख सकते हैं, ये हालांकि पुराना राइटअप है लेकिन मैंने लगा दिया, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। यहाँ पे नाम लिखा मुल्ला मोहम्मद ओमार, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे तालिबान के लिए जो बना था अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से से, बेसिकली एक पश्तून ट्राइब के व्यक्ति हैं दोस्तों, जो बाद में बने थे मुजाहिदीन कमांडर बने थे। लेकिन हालांकि एक बात आपको बताता हूं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, रोनाल्ड रीगन की तस्वीर मिल जाएगी ओवल ऑफिस में जहां पे वो मुजाहिदीनों के साथ बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे कि अफगानिस्तान में जो रशिया जो है अफगानिस्तान में जो रशिया वहां पे पहुंचे हुए जो सरकार वो सपोर्ट कर रहा है वो हटाना है हमको, क्योंकि वो दौर शीत युद्ध का दौर था दोस्तों, कोल्ड वॉर का दौर था। तो ऐसे तो बहुत देखिए क्या होता है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में, आपको एक बात आता है सही गलत, ये तो बहुत बहुत थिन लाइन होती है सही गलत की, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में एक ही चीज होती है और वो इंटरेस्ट, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है दोस्तों। खैर जो भी है, तो मुजाहिदीन कमांडर बने थे और उसके बाद इन्होंने पुश किया था, निकाला था अफगानिस्तान से सोवियत रूस की फौज को, क्योंकि 1989 बोल रहा, सिर्फ रशिया नहीं बोला, सोवियत रूस बोला। सोवियत रूस क्यों बोले सर आप, क्योंकि दोस्त ऐसा हुआ कि 1991 तक आप समझ लो सोवियत रूस, बोल्शविक की क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद यूएसएसआर बना था 1922 में। हालांकि 1922 में जब यूएसएसआर बना था सोवियत रूस बना था, लेनिन स्टालिन इनका सोवियत रूस उस जमाने में ना दोस्तों वेस्टर्न कंट्री सोवियत रूस को देश नहीं मानते थे। फिर बाद में आखिरी लीडर आए थे मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव, जिनके यहां पे निशान था आपको ध्यान होगा, तो मैंने उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जरूर से देखिएगा। और इसके बाद विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है यूएसएसआर का 15 अलग अलग देशों में। तो कुल मिला के मुजाहिदीन लीडर बने ये मुल्ला ओमार जो है, मुल्ला मोहम्मद ओमार जो है। और दोस्तों धीरे 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 1994 आते आते इनके कंधार में, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कंधार महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि गढ़ है कंधार जो एक जमाने में तालिबान का गढ़ रहा है, वहां पे 50 फॉलोअर थे दोस्तों, 50 फॉलोअर से शुरुआत हुई थी और धीरे 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 कब्जाना शुरू किया, फिर कंधार को कब्जा आया, फिर काबुल को कब्जा आया 1996 की बात कर रहा हूं, और वहां से एक्सट्रीम अपने जो रूल्स रेगुलेशन लॉज है उनको लगाना शुरू किया। और इस तरह से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन म्यूजिक सब बंद करो यार, जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बंद करो, और स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना, हार्श पनिशमेंट देना, इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई थी। और दोस्तों 1996 से लेकर 2001 तक के फिर तालिबान ने शासन किया था, और जब 9/11 की घटना हुई थी 2001 की, उसके बाद दिसंबर महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ने अलाइड फोर्सेस को इकट्ठा किया, नेटो मेंबर्स को इकट्ठा किया और लीड किया, और ट्रुप पहुंची सीधा कहां, अफगानिस्तान दोस्तों, यहां पे पहुंची थी कि भाई साहब हो गया, अब अपने को तो चाहिए बिन लादेन चाहिए, इस तरह से कह के वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की फौज पहुंची थी 20 साल तक दोस्तों। अफगानिस्तान के लिए कहा था ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है वहां पे, मतलब अनंत काल से युद्ध ही चल रहा है दोस्तों, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट क्या ही कर सकते हैं दोस्तों जिस चीज के लिए तालिबान लड़ रहा है वो चीज क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेड क्यों किया, सीधी सी बात मैं आपको बता दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसलिए इन्वेड किया था क्योंकि हमको चाहिए था ओसामा बिन लादेन, ऐसा कहा यूनाइटेड स्टेट्स ने। और उसके अलावा हम यहाँ पे जो टॉपसी टर्वी माहौल चल रहा है, जो गृह युद्ध होता चला रहा है, वैक्यूम क्रिएट होता, तो कुछ का कुछ हो जाता है। एंड क्या, जो कल यूएन की मीटिंग में जो बात हुई, एक शब्द आया, क्या हम टेररिस्ट के लिए हेवन नहीं बनने देंगे, HAVN शरणार्थी स्थल को बोलते हेवन, उस जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स बोला था हम इस जमीन को टेररिस्टों के लिए हेवन नहीं बनने देंगे, हम लोग पहुंच रहे बाबू और हम पहुंच रहे और यहां पर हम स्टेबिलिटी लेके आएंगे दोस्तों। इसके चलते ये एंटर किए थे, ये बिन लादेन की तस्वीर आपको मैं दिखा दिया, वाई तालिबान इज फाइटिंग, अपना अपने तरह का शासन करने के लिए, अपने तरह का रूल करने के लिए। और आज की तारीख में जो तालिबान के लीडर हैं, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट वर्जन आपको बता दिया, अपने ही तरह का तालिबान, अपने ही तरह का शासन करना चाहता है, अपने ही तरह का रूल जो काफी स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा हार्श भी बोल सकते हो आप इस तरह से, ठीक है दोस्तों। हु इज द लीडर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान दोस्तों, अगर आपने देखा होगा इनको मवलावी अकुंदजा, तो अरे तस्वीर में लगाया नहीं, सॉरी दोस्तों, ये नाम देख सकते हैं, ये तालिबानियन लीडर हैं आज की तारीख में, पश्तून है, कंधार से ये भी दोस्तों, ये है तालिबान के लीडर अफगानिस्तान में। और दोस्तों आपको एक और बताता हूं, एक और चीज, और वो ये है काउंसिल ऑफ लीडर्स तालिबान की जो है वो पाकिस्तान में बेस्ड है, जिसका नाम है क्वेता शूरा, क्वेताशूरा ये नाम है दोस्तों। सर क्या है ये काउंसिल ऑफ लीडर्स है तालिबान की, जो पाकिस्तान में बेस्ड है, क्वेताशूरा, ठीक है दोस्तों। ये जो ना ये गाइड करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ये सब करते हैं लोग,
एक बात आप मेरे को बताइए सर, ये फंडिंग कहां से होती है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता सर, पैसा रुपए कहां से आते हैं सर? ये सब चलाने के लिए भी तो रुपए पैसा चाहिए होते हैं सर। तो फिर आप गोल्डन क्रिसेंट का नाम नहीं सुनने लगता? अरे बाबू, जितना इलीगल ड्रग्स हैं, जिसको आप वो हेरोइन वोरिन बोलते, चरस गांजा, ये सब, ये पूरा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, इधर, ये पूरा गोल्डन क्रिसेंट कहलाता है दोस्तों। लिख के रखिए गोल्डन क्रिसेंट, जरा कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताना ये रास्ता जो है। तो मतलब ये जितने इलीगल ऑपरेशंस होते हैं ना, सिर्फ ड्रग्स, ड्रग्स के अलावा इलीगल माइनिंग का जो बिजनेस है वहां से पैसा ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह की चीजों से जो तालिबान ने सब वो पैसा ड्रॉ करते हैं। साथ चल रहे मेरे एकदम सुपर तरीके से भी लोग साथ चल रहे दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से भी लोग साथ चल रहे। तो जितने भी ये जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ओपीएम, चरस, गांजा, सब के बारे में बात करें, इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं इस रास्ते को। और ये इलीगल जो माइनिंग वगैरह होती है इस रीजन में, यहां से इलीगल ऑपरेशन जो होते हैं। और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज भी फंड करते हैं। ये मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ये बहुत आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये बीबीसी ने ड्रॉ किया है। मैंने पिक्चर कार्ड से दिखाया था, बीबीसी है ये, मैंने नहीं बनाया। तालिबान ने लीडरशिप स्ट्रक्चर काफी क्लियरली इन्होंने बताया कि लीडर कौन है, सीनियर जज कौन है, पॉलिटिकल डिप्यूटी कौन है, डिप्यूटी कौन है। यहां पे एक बार इसको आप देखिएगा, आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ से जो काम की चीजें मैंने आपको बता दी है सुपर तरीके से, अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो दिल की नदियां बहा दो ना यार, एक दो दिल थोड़ी चाहिए होता है यार अपने को, दिल की नदियां बहा दो ना, गजब टाइप से एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों, सुपर तरीके से अपन साथ चल रहे हैं। दोस्तों आज अपन मिलने वाले ढैंटडैन, किसमें मिलने वाले दोस्तों? आज तो अपन गजब टाइम से मिलने वाले, कहां, रात के 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पे, सभी के लिए फ्री कर दिया ना यार सेशंस। दोस्तों आपको मजा आ रहा है, ये वाली प्लानिंग जो है गजब टाइम से, हर एक के लिए मैंने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से रखने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आप GDPI की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन में रहना दोस्तों, हर वेंसडे रात के 9 बजे, है ना, एकदम आपको गजब टाइम से मजा आएगा। और दोस्तों 16th को अनअकैडमी के ऐप में प्लस मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये रहा आपके सपोर्ट, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 30 डेज का जो एवरेज है उसमें मैंने देखा तो आपके कारण अपन लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं, विच इज गुड, थैंक यू वेरी मच। मतलब पिछले 30 दिन में अपना व्यू जो है 1 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गया अनअकैडमी के ऐप पे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां पे जाके आप मेरी प्रोफाइल में देख सकते हैं, लेकिन उसका रीजन आप ही लोग, आप सीधी सी बात है यार, वो तो मतलब कौन देखेगा यार, 1 मिलियन तो आप ही तो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, धन्यवाद है। जितने बार मैं देखता हूं उतने बार मेरे को और जोश आता है कि यार और सब कुछ प्रोवाइड कर डालूंगा, सब कुछ कर डालेंगे, तभी तो मजा आता है यार, नहीं तो मजा ही क्या। एवरी पैशन हैज इट्स डेस्टिनी, नहीं दोस्तों क्या बोलते हैं आज का दोस्तों? मलेशिया, यार मलेशिया में क्यों इतना पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर, शांति क्यों नहीं रहती दुनिया में? यार वो मुझे नहीं पता शांति क्यों नहीं रहती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अभी तो 17 महीने पहले नियुक्त हुए थे, यार इतना पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में। राजा जो वहां पे होते हैं दोस्तों अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट एंड अपॉइंट में फर्क होता है भाई साहब। क्या फर्क होता है मुझे एक बात बताओ ना सर, क्या 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 पूछे पूछे। भारत में राष्ट्रपति साहब को अपॉइंट किया जाता है कि इलेक्ट किया जाता है सर? ऐसा कौन पूछता है? अरे बाबा एग्जाम में उठा के देखो, आपको क्वेश्चन दिखेगा, राष्ट्रपति साहब को अपॉइंट किया जाता है कि इलेक्ट किया जाता है? कॉमेंट बॉक्स में बताओ तो यार, मैं भी तो देखूं। तो मलेशियन प्रधानमंत्री दोस्तों यासिन साहब ने अभी रिजाइन कर दिया, ये आप देख सकते हैं CNBC का मैंने कटआउट लगाया है। मलेशियन लॉ मेकर टू सबमिट प्राइम मिनिस्टर चॉइस एंड अमिड पॉलिटिकल, अरे यार अभी तो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अभी तो इनके क्या कहते हैं, राजा साहब ने 17 महीने पहले अपॉइंट किया था प्रधानमंत्री को, केयरटेकर प्रधानमंत्री थे, फिर से वो पॉलिटिकल टर्मोइल क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया। और सर कोरोना के बीच में इलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा बाबू, इनके प्रधान, इनके राजा साहब ने बात कर दिया, एब्सोल्युटली यहां पे इलेक्ट करते हैं दोस्तों हमारे देश में प्रधानमंत्री साहब को, याद रखिएगा अपॉइंट नहीं करते। और प्रधानमंत्री साहब को भी, राष्ट्रपति साहब को भी, राष्ट्रपति साहब को जो चुनाव होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जब पढ़ेंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अग्री करते कि नहीं करते, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ थिंग्स गो हेवायर, भारत के राष्ट्रपति पद कभी खाली नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट वीपी जो होते हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, भगवान न करे कभी राष्ट्रपति साहब की जगह खाली है, वीपी साहब की जगह खाली है, तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा यह हायरार्की। राष्ट्रपति साहब, मतलब प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, और इनके बाद सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फिर एक काम करना ना यार, वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो कोलिजियम बता देना ना यार, मुझे क्या होता है कोलिजियम, इंडियन पॉलिटी में मिलेगा दोस्तों, सॉरी इंडियन पॉलिटी में को नहीं आती, अगर ऐसा होगा तो बताना अपन लोग, ये तो अपने स्टाइल में ना यार, अब ना थोड़ा फर्जी वाला स्टाइल रहता है ना यार, पर फर्जी वाला, देयर इज नो मीनिंग ऑफ नॉलेज अनलेस एंड अंटिल नॉलेज इज पुट इनटू एक्शन विल ब्रिंग नॉलेज टू एक्शन, तब तो मजा आएगा। थोड़ा सा फर्जी तरीके से अपन लोग ना अपने जो हमको समझ में आती भाषा, अपन लोग इंजीनियरिंग वाले यार, अपने को जुगाड़ की भाषा समझ में आती है, अपन जुगाड़ की भाषा पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
राष्ट्रपति पद साहब, राष्ट्रपति साहब के लिए जो चुनाव होता है उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। वहां पे इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट होता है। क्या जो आपके लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो लोग वोट कास्ट करते हैं। यस, लोकसभा वोट कास्ट करता है, राज्यसभा करते हैं, विधानसभा, तीनों कास्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या विधान परिषद करता है, ना 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 ना। और क्या वैल्यू ऑफ वोट सबका एक होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा, इसमें वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग होता है। याद रखिएगा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, हमारे देश में ऐसा बहुत मुश्किल है कि अगर राष्ट्रपति साहब को निकालना हो पड़े तो इसको महाभियोग बोलते हैं, इंपीचमेंट बोलते हैं। इंपीचमेंट इज अ टफ प्रोसेस। भारत जैसे देश में जहां पे हम राष्ट्रपति, मतलब यार क्राउन पोजीशन है यार, हम मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसे भारत में पॉसिबल नहीं, हम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा, तो उसको इंपीचमेंट बोलते हैं। इंपीचमेंट राष्ट्रपति पद के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीएजी क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके लिए इंपीचमेंट का प्रावधान होता है। ध्यान रखिएगा, इंपीचमेंट में रेजोल्यूशन दोनों जगह से पास हो सकता है, मतलब लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। लोकसभा वोट कास्ट करता है यस, राज्यसभा यस, विधानसभा ना, विधान परिषद कभी भी नहीं। ध्यान रहेगा सभी को, एकदम गजब टाइप से सभी को साथ चलेंगे क्या दोस्तों? और सर, अगर राष्ट्रपति साहब अपना रेजिग्नेशन दे रहे तो किसको देते हैं? कैसे पता चला यार? ये क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दो ऑप्शन से दूंगा। राष्ट्रपति साहब अगर भारत में रेजिग्नेशन देते तो किसको देते हैं दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को देते हैं या फिर वीपी को देते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ ना यार, आपको पता नहीं चल रहा होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बोल दिए। वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिएगा, सर इतने तेज बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, पेन का बॉल गिर गया सर मेरे, तो वीडियो ना यार यूट्यूब में रहेगा ना। लेकिन सर पता है, मैं ना बचपन से पॉइंट इंटू टू करके सुनता था यूट्यूब का वीडियो, इतनी तेज में बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको पॉइंट फाइव करके सुनना तब मजा आएगा, इंटू टू करने की जरूरत नहीं है। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? एकदम गजब टाइप साथ चल रहे कि नहीं? तो दोस्तों हुआ ये, अभी आपने देखा होगा तो मलेशिया में ऑलरेडी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। मलेशियन लॉ मेकर्स टू सबमिट प्राइम मिनिस्टर चॉइस एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। यार तो ऑलरेडी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, काफी इंस्टेबिलिटी चल रही थी, ऑलरेडी वैक्यूम क्रिएट हो रखा था। 17 महीने साहब थे, 17 महीने के बाद उन्होंने बोला हो गया। और यहां से याद रखना, ये मलेशियन लीडर के रूप में सबसे शॉर्टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्टिंट है। मतलब 17 महीने सबसे छोटा टेन्योर है, कहने का मतलब किसी भी प्रधानमंत्री के लिए मलेशिया में। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह से क्वेश्चन बनेगा इनका। तो टाइम चुका है इकोनॉमी को रिबूट करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, जब इतने बड़े पद की कोई व्यक्ति रिजाइन करते हैं ना, तो इकोनॉमी काफी टॉपसी टर्वी हो जाती है। और ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों? ये रिफ्लेक्ट करता है धनाधन धनाधन धनाधन, स्टॉक मार्केट गिरता है। स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का सीधा सीधा आईना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर जरूरत होगी, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ढूंढना ना यार, नहीं तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, सर अपने को समझ में नहीं आता सर, ये सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, यार अपन देखेंगे ना, बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है, यार अपन लोग देख लेंगे ना उसमें क्या है, यार किसी बार एक आध बार अपन पूरा का पूरा निपटा ही देंगे ना। ये बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। ये नरसिम्हन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 1991 के टाइम की, 1991 के बाद जो कमेटी बनी थी नरसिम्हन कमेटी, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और पैसेज भी आता है, कैट में भी आया, आईएफटी में भी आया। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? एकदम गजब तरीके से साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? दोस्तों तो क्या हुआ ना, अभी ऑब्वियस सी बात है, ये वो दौर है जब पूरी दुनिया कोरोने के क्या बोलेंगे उसमें जकड़ में है, कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ, तो यहां पे ना दोस्तों इस तरह की चीजें होंगी ना तो गड़बड़ाता है मामला। और यहां पे इसलिए ना इनका स्टॉक मार्केट आपको टूटता हुआ दिखेगा। मैं जब भेजूंगा तो एक बार पढ़िएगा जितनी भी चीजें मैंने बोल दी यहां पे, ठीक है दोस्तों? सीएनबीसी का राइटअप है, बढ़िया राइटअप है, मतलब मैं प्रेफर करता हूं सीएनबीसी रीड करना, मुझे तो ठीक लगता है, ठीक है दोस्तों? जरा कमेंट बॉक्स में दोस्तों मलेशिया की करेंसी का नाम बता देंगे क्या है, रिंगिट नाम है दोस्तों, RINGGIT रिंगिट, मैंने लिखा नहीं क्या, ये शॉर्टेस्ट इंस्टेंट आपको बता दिया। और मलेशिया की करेंसी का नाम है दोस्तों रिंगिट नाम है। और ये वो वक्त आ चुका है कि दोबारा इकोनॉमी को रिबूट करना पड़ेगा, भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अब खैर जो भी है, जो भी उनका रीजन रहा होगा, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है मलेशिया, और इन्होंने रिजाइन किया, केयरटेकर प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इनके राजा साहब ने बोला कि या ये करेंसी मलेशिया की, दोस्तों इनके राजा साहब ने बोला कि ठीक है यार चलो अब कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो जो इनके राजा है अल सुल्तान अब्दुल्ला साहब ने बोला कि यार अभी कोरोने के कारण जो पेंडेमिक चल रहा है ना, इसके कारण अभी हम नए प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं करेंगे, मैंने इलेक्ट नहीं बोला, अपॉइंट नहीं करेंगे,
देखते हैं दोस्तों, ये राजा साहब हैं, किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला। अल का मतलब होता है वैसे फैमिली ऑफ, याद रखिएगा, अल साउद, अल साउद की फैमिली से बने, सऊदी अरेबिया, अल साउद, याद रखेगा कि आपको दोस्तों फैमिली ऑफ। तो कभी भी अल शब्द आता है का मतलब होता है फैमिली ऑफ, याद रखिएगा। भयानक पैसा सऊदी के पास, लेकिन आपको बता रहा हूं बाकी हम लोग जो सुनते ना, ये मिलेनियर है, वो मिलेनियर है, सऊदी अरेबिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सऊदी में जो राजा वगैरह उनके हिसाब से देखेंगे तो उनके हिसाब से जो मिलेनियर बिलेनियर जस्ट क्यूट, वेरी क्यूट, दैट्स इट, बहुत पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, भयानक पैसा सऊदी के पास, इसमें कोई बात ही नहीं है। खैर जो भी है दोस्तों, तो दोस्तों यासिन साहब जो है रिजाइन कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया बहुत छोटा सीनियर रहा इनका, और इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर काफी साल पहले, वेटरन है दोस्तों, 74 साल के व्यक्ति है, तो यहां से इन्होंने रिजाइन किया है। और इनका एक बहुत भयानक तरीके का स्कैम निकल गया है दोस्तों, मल्टी बिलियन डॉलर का स्कैम था इनका 2015 का, जरूरत होगी तो बताइएगा, आपको जरूरत नहीं इसलिए मैं उस पॉइंट पर टच नहीं किया दोस्तों। इसी तरह से ना, आपको याद है तो मैंने बोला था आपको मलेशिया में ऑलरेडी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, और ये कारण है क्योंकि ना मलेशिया में ऑलरेडी महातीर मोहम्मद साहब को रिजाइन करना पड़ा था। महातीर मोहम्मद साहब याद कीजिए दोस्तों, वो भी एक वेटरन व्यक्ति है, तो जो भी है, जो भी करप्शन ऑप्शन का जो भी आरोप था वो तो अपनी जगह पे है। तो महातीर मोहम्मद साहब कहाँ गया, चलेगा महातीर मोहम्मद साहब, मैंने रखा नहीं नाम, तो मैं खैर ऐसे बताया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महातीर MAHATHIR महातीर मोहम्मद साहब ऑलरेडी रिजाइन कर रखे हैं, ऑलरेडी आपका ये मलेशिया जो है पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, स्टार्ट चल रहे कि नहीं यार, एक बार दिल तो बना के बताओ यार, एक गजब टाइप का दिल बना देते हैं दोस्तों, अगर साथ चल रहे हैं तो यार अपन पढ़ने पढ़ाने थोड़ी यार, विल क्रिएट रिवॉल्यूशन, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, गजब टाइप को विल क्रिएट रिवॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दोस्तों। मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किया 16th को मेरा बैच शुरू हो चुका है, तैयार रहिएगा, अपन गजब टाइप का माहौल क्रिएट कर देंगे बेहतरीन तरीके का। सर जो बार बार आप बोल रहे बैच ही प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए, यस, इसमें लाइव क्लासेस रहती है दोस्तों, हर चौथी क्लास 16 को शुरू है, 16 17 18 पढ़ाऊंगा, हर चौथी क्लास जो होती है डाउट क्लियरिंग सेशन होती है दोस्तों, वीकली टेस्ट, डंके की चोट पे मैं बोलता हूं, जो टेस्ट मैं ले रहा हूं अगर आप वो दे रहे हो आप एकदम इंडिया में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करोगे, खत्म बात। बाइलिंगुअल होता है सेशन, आप देख सकते हो उसमें आपके नॉर्दर्न सेंट्रल इधर उधर के पार्ट के बच्चे भी हैं, सदर्न पार्ट के बच्चे भी अटेंड करते हैं, वो आप देख सकते हो चाहो तो। क्रैश कोर्स लाइव क्लास तो रहती, क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेगा रिवीजन के लिए, थ्रू आउट द जर्नी में आपके साथ रहूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा मस्त तरीके से। आप में दोस्तों काफी सारे बच्चे हैं जो ये कोड यूज करते हैं ST26 और ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, जो नहीं यूज करते हैं कोरोना यार कैसे करते हो यार, देख सकते हैं आप, हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है सुबह के 11 बजे 60 मिनट का, मस्त तरीके से दोनों स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप अवेल करोगे तो आपकी मर्जी, ज्वाइन करना हो करना, नहीं करना तो आपकी इच्छा है, आपको पता तो चलेगा आप पॉलिटिकल लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC यार फिर से मीटिंग किया इन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार, यस 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 एब्सोल्युटली, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल दोस्तों, आप दसवीं देखो एंटोनियो गुतेरेस साहब की दोस्तों, इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि यार क्या कर रहे हो यार, सब मिलो, दोबारा मिलो इसी हफ्ते में दोस्तों, जरा बताएंगे इस महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी प्रेसिडेंसी किस देश के पास है, जरा कमेंट बॉक्स में तो बताओ यार, मैं भी तो देखूं, चेंज होती है दोस्तों, याद रखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स कौन होते हैं, सिंपल सी बात है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए, तो कौन जीता सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो देख लो आप, अब वो जीता वहां से यूनाइटेड स्टेट, लबड़ूम बड़ाम, दो मिसाइल गिराए थे, दो बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी में, लिटिल बॉय और फैट मैन, उसके बाद यूएस ने तो भाई साहब पूरी दुनिया में उसका डंका बज गया, उसके बाद यहां से यूनाइटेड यूएसएसआर टूट गया, फिर रशिया, तो यूएसए रशिया, फिर चाइना, चाइना को बाद में जो माओ ज़ेडुंग का चाइना, ये हो गया, इसके बाद दो और कौन सी कंट्री है जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, एक और कंट्री हुआ जहां से, जहां पे अपन मैच खेल रहे हैं यार, मचा दी इंडिया की टीम ने, तो क्या बॉलिंग की यार इंडिया की टीम, एक बार इंडिया की टीम के लिए दिल बना दो भाई साहब, इतना बेहतरीन खेलते मतलब इंग्लैंड को इंग्लैंड की जमीन पे जाकर फोड़ा भाई साहब, मतलब गजब बॉलिंग किया इंग्लैंड ने, मतलब इंडिया ने क्या बॉलिंग किया यार, एक बार इंडिया की टीम के लिए हार्ट हो जाए भाई साहब, गजब बॉलिंग किया ऐसा ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था कि उस मैच को अपन जीत सकते हैं, क्योंकि पिच पूरा बैटिंग के फेवर में थी और वहां से पूरा मैच को पलट दिया इंडिया ने यार, मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़ी भी फेवरेबल बॉलिंग कंडीशन होती तो 50 रन में उड़ा देती इंडिया की टीम को, तो नेक्स्ट लेवल बॉलिंग कर रही इंडिया की टीम, ये बुमराह साहब हमारे, साईराज वो लड़का हो गया नया, क्या फेंकते यार सब लोग, और शामी साहब तो हमारे रॉकस्टार, रॉकस्टार नहीं क्या दोस्तों, तो चलिए मजा आया इंडिया की टीम को जीतते हुए देख के,
देखिए इस कंट्री के बारे में बात करो जरा बताएंगे, वो परमानेंट मेंबर हो गई और एक और परमानेंट मेंबर कौन है देखिएगा, काफी बार भारत के पक्ष में स्टेटमेंट देते हैं दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं महीने दर महीने प्रेसिडेंसी इनमें घूमती रहती है। ध्यान रहेगा दोस्तों आपको, अभी जो प्रेसिडेंसी है वो कहां पे है, भारत के पास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंसी जो है तो यार अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस साहब, ये इनकी तस्वीर याद रखिएगा, एग्जाम में तस्वीर आ जाती है आजकल। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से आह्वान किया, मिलो भाई मिलो, अपने को मेक श्योर करना पड़ेगा। क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान का क्राइसिस आर्टिकल को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान कहीं टेररिस्टों के लिए हेवन ना बन जाए। HAVN याद रखिएगा, स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, HAVN मतलब होता है शरणार्थी स्थल। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि दुनिया की टेररिस्ट एक्टिविटीज अफगानिस्तान से शुरू होने लग जाए। मिलो भाई साहब मिलो सबके सब दोस्तों। इस हफ्ते मतलब अभी अगस्त के महीने में भारत के पास प्रेसिडेंसी है और इसी हफ्ते में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दोस्तों दूसरी मीटिंग है और क्लियरली गुतेरेस साहब ने कहा कि यार सब मिलो भाई साहब, अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रिस्ट्रेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए जो भयंकर वायलेंस चल रहा अफगानिस्तान। उसमें तालिबानी ने भी थे दोस्तों, बोले कि यार अपने को रोकना पड़ेगा, ऐसे गड़बड़ा जाएगा मामला यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमको मेक श्योर करना पड़ेगा अफगानिस्तानियों का जो राइट्स है वो टेक्ट रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों 6 अलग अलग ऑर्गन्स बोला जाता है यूनाइटेड नेशन, जरा कमेंट बॉक्स में यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑर्गन्स के बारे में मुझे बता दें। जैसे कि सर अरे यार कैसी बातें कर, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक और कौन सा ऑर्गन बचता है यार जरा बता दो। याद रखिएगा दोस्तों कोई से भी एग्जाम दे आप इंडिया में, बाहर कोई भी एग्जाम दे, यूनाइटेड नेशन पे क्वेश्चन डन डनाडन डन बनता है। यार एक बात बताओ, यूनाइटेड नेशन तो मार्केट में अभी आया क्या, इसके पहले कुछ नहीं था क्या भाई साहब? यूनाइटेड नेशन के पहले था लीग ऑफ नेशन, याद रखिएगा। मुझे कॉमेंट बॉक्स में वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो बताइएगा लीग ऑफ नेशंस के लिए आपको वीडियो का रिक्वायरमेंट है, मैं बता दूंगा क्यों लीग ऑफ नेशंस को बोला था कि टूथलेस हो चुका था लीग ऑफ नेशंस। ऐसा क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाना पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज के टाइम पे वो बॉडी है जो मेक श्योर करती है कि दुनिया में शांति बनी रहनी चाहिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेक श्योर करती है। कौन सी बॉडी दोस्तों? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। किसी भी नए जो नया एडमिशन होता है यूनाइटेड नेशन मेंबर्स में तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो अप्रूव करती है अपने यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में चेंज करके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम ले रहे हैं ये यूएन चार्टर, आपको चार्टर्स देखो कहीं भी चार्टर शब्द आता मतलब लिखा हुआ प्रिंसिपल्स कानून, उसको बोलते हैं चार्टर, साथ चल रहे नहीं चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शनिंग क्या है तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस करना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीस कीपिंग ऑपरेशंस करना मतलब पूरी दुनिया में शांति स्थापित करके रखना, इंटरनेशनल सैंक्शंस को देखरेख करना, इसके अलावा मिलिट्री एक्शंस दोस्तों। ये जो ये शब्द लिखा हुआ बाइंडिंग रेजोल्यूशंस, पूरी दुनिया में रेजोल्यूशंस को बाइंडिंग, बाइंडिंग शब्द क्या होता है एक सिंपल सी भाषा में बताता हूं। मान लेते हैं आप अपने घर के आसपास ट्रैफिक सिग्नल कुछ होगा आपके घर के आसपास, वहां पे आप खड़े हो, ठीक है, अब वहां पे खड़े हुए लाइट लाल है और आप गाड़ी निकाल दिए। मान लेते कल को कानून आता है कि यार जो यहां से लाल लाइट से निकाल देगा उसको पूरी जिंदगी के लिए जेल भेज देंगे, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बोलते हैं कि लाल लाइट में जो गाड़ी निकाल देगा ₹1 फाइन लगेगा और हर एक को लगेगा, और ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग होता है मतलब इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो उसके लिए सजा क्या है, उसको बोलते हैं लीगली बाइंडिंग। पेरिस समिट में जो चीजें डिसाइड वो लीगली बाइंडिंग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, वो वॉलंटरी है। जब कंट्रीज बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस वक्त तक के कार्बन एमिशन कम कर देंगे, दैट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, दे कैन नॉट एबल टू, नोबडी यू नो, अब वो आंसरेबल नहीं है। आप समझ रहे हो बात को, लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है, लीगली बाइंडिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो दोस्तों मैंने तीन चीजें बोला, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली चीज जो मैंने बोला वो ये है पीस कीपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना, दूसरी चीज मैंने बोला सैंक्शंस इंटरनेशनल सैंक्शंस, और तीसरी चीज मिलिट्री एक्शंस लेना। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है यार, लीग ऑफ नेशन के खत्म होने के बाद। लीग ऑफ नेशन एक टूथलेस बॉडी बन गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों किसी को अगर याद होगा जरा मुझे बताएंगे इनका फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। आज की तारीख में इसमें 15 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस 15 मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, 5 परमानेंट मेंबर्स और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 2-2 साल के लिए चुनाव चुने जाते हैं, एक-एक साल में इनका इलेक्शन चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बोला था जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स होता है, रशिया हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया और फ्रांस हो गया, ध्यान रहेगा सभी को। याद रखिएगा दोस्तों जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका वीटो पावर भी होता है और ये वीटो पावर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
इस बात को ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखिएगा ये एक से एक धुरंधर लोग हैं इंडिया के। 18th को इनका बैच शुरू हो रहा है, एक बार सारे के सारे इन सभी लोगों की प्रोफाइल देखिएगा। मेरे आरबीआर साहब मेरे बहुत फेवरेट लगते हैं, अंकित सर वो जबरदस्त लगते हैं, मंडल साहब के बोलने का स्टाइल मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, एकदम गजब। ऐसे बहुत सारे सभी के सभी लोग दोस्तों एक से एक धुरंधर लोग हैं, आप चाहें तो इन सभी की प्रोफाइल्स होकर देख सकते हैं। दोस्तों स्पेशल क्लास क्या है, स्पेशल क्लास का मजा उठा रहे कि नहीं हम लोग? दोस्तों स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के लिए ला रहा हूं मैं, हर ऑलमोस्ट हर रोज रखा है मैंने, एक बार जरूर जाके देखिए मेरी प्रोफाइल में। दोस्तों ये जो जगह अनफॉर्चुनेटली इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है, ये काफी वक्त चल रहा है एंड गॉड फॉरबिड, लेकिन शायद लगता नहीं कि खत्म होगा। एक सिंपल सी भाषा आपको बताता हूं, जैसे ये इजराइल का मैप ऐसा नुकीला टाइप का ऐसा मैप रहता है, यहां पे एक नदी जाती है दोस्तों, इस नदी का नाम है जॉर्डन नदी, ठीक है दोस्तों? क्या नाम है इस नदी का? जॉर्डन, मैं जे लिख दूं शॉर्ट में। अब यहां पे अगर मैं कंपास बनाता हूं तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो जॉर्डन नदी के वेस्ट में ये हो गया वेस्ट बैंक, क्योंकि जॉर्डन नदी के वेस्ट में से उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। और यहां पे दोस्तों क्या आता है, यहां पे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप आता है, ठीक है दोस्तों? याद रहेगा तो जी लिख दिया मैंने, क्या बोला? ये रहा इजराइल, इजराइल में 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग वैसे मस्ट है सभी के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जॉर्डन नदी के वेस्ट में जो जगह आती है उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो ये रहा वेस्ट बैंक और ये रहा गाजा पट्टी, जो पैलेस्टीनियन है दोस्तों आज के टाइम पे, इन दोनों जगहों पर रह गए। द पॉइंट इज इसराइल और फिलिस्तीन की नहीं बनती है, लेकिन एक और चीज है, ये दोनों जगह पे जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं वो भी एक अपनी तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, और वो ये है कि हम असली पैलेस्टीनियंस है कि ये, क्योंकि दो अलग अलग कम्युनिटी रहती है, एक फतह और एक हमास, ठीक है? तो इस तरह से हो ये रहा है इसराइल, इसराइल और फिलिस्तीन का तो चल ही रहा है तब से, चलता ही चला जा आ रहा है। अभी आप देखेंगे दोस्तों तो गाजा ने क्या, गाजा मतलब ये वाला रीजन, ठीक है? तो गाजा मिलिटेंट्स फायर्ड रॉकेट एट इजराइल, इजराइल की राजधानी जरा कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिसको बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अप्रूव कर दिया दोस्तों, बहुत फेमस है, जे से शुरू होता है नाम, जरा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो हुआ क्या कि दन दन यहां से बम मारा, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, गाजा मिलिटेंट्स फायर रॉकेट एट इजराइल, इजराइली मिलिट्री से। दोस्तों ये चीज चलते रहती है, अनफॉर्चुनेट है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ना, ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के ऊपर हर रोज ना ऑलमोस्ट 15 बम्स मारे जाते हैं, ठीक है? तो 15 बम्स मारे थे, लेकिन 15 के 15 बम्स नीचे नहीं गिरते दोस्तों। इजराइल टेक्नोलॉजिकली, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकली इजराइल भयंकर एडवांस कंट्री है, मतलब इजराइल के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को टक्कर देते हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजिकली वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज। इसराइल बहुत जबरदस्त डेवलप्ड कंट्री में से एक है दोस्तों। इसराइल छोटा सा देश है, लेकिन इसराइल के इंटेलिजेंस का नाम किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जरा एम से शुरू होता है नाम, एम, चलो ओ लिख देता हूं, बाकी कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या, काफी फेमस है, पिक्चर उचर भी बनी इन लोगों के ऊपर, बहुत फेमस है दोस्तों। इसराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई साहब थे जोनाथन नेतन्याहू, आपको याद होगा तो एक ऑपरेशन जोनाथन बहुत फेमस है इसराइल का, बहुत फेमस है। और हमारे देश में आपको याद है हम लोग ज्योग्राफी में स्कूल में पढ़े थे ड्रिप इरीगेशन, ऐसे मतलब मिट्टी के नीचे से पाइपलाइंस बिछा देना और प्रिक करके वहां पे जो सब्जियों के मतलब फल मतलब वो डालना, बीज बीज को लगाना और वहां से ब्लॉसम करता है, ये ड्रिप इरीगेशन इसराइल ही लेके आया है। खारे पानी को पीने योग्य बनाना, इसको डिसैलिनाइजेशन बोलते हैं, इसराइल उसमें बहुत आगे चल रहा है। अभी इस कोरोना के टाइम पे जो बहुत हाईएस्ट रेट ऑफ वैक्सीनेशन, उसमें इसराइल एक है। दूसरी चीज आर्म्स, इसराइल में अगर आप जानते होंगे तो जो उनका पानी, जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है अगर आप जानते होंगे तो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब आपके गांव के शहर के आसपास जो भी जलाशय है वहां से लेके आपके खेत तक के पानी पहुंचाना, एग्जैक्टली यही सिस्टम है इसराइल का है। तो इसराइल और हम आज की तारीख में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, आप जानते होंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स इसराइल और हम लोग, तो बहुत सारा शेयरिंग हमारा इसराइल का होता रहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक एक्सट्रीम बैलेंसिंग एक्ट करता है इंडिया, हमारे रिलेशन इसराइल से तो है ही, पैलेस्टीन के साथ भी ठीक है हमारे रिलेशन सऊदी के साथ भी, ईरान के साथ भी काइंड ऑफ ठीक ही है, अभी तो काफी सारी चीजों को तो हम तेल नहीं ले पाते उनसे। हमारे रिलेशन यूएस के साथ है, रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, तो ये दो ऑपोजिट्स के साथ रिलेशन होना ये बैलेंसिंग एक्ट कहलाता है। इंडिया की डिप्लोमेसी को इसलिए पूरी दुनिया सल्यूट करती है, इंडिया की डिप्लोमेसी एक्सट्रीम डिप्लोमेसी में से एक आती है दोस्तों, इंडिया की डिप्लोमेसी की मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट आपको मैं बताता हूं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको बात आया तो होता क्या दोस्तों, ऐसे जब बॉम्ब गिरता है ना इसराइल में, तो इसराइल ना एक आयरन डोम है, आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम इनका, तो वो क्या करता, ब्लास्ट करता ऊपर ही, तो गाजा ये पट्टी में मतलब बम मारा गया दोस्तों। ये चीज चलती आती रहती है इसराइल में, अनफॉर्चुनेट है। मोसाद, MOSS, नहीं नुशाद नहीं, मोसाद, MOSSAD, मोसाद नाम है उसका इंटेलिजेंस का दोस्तों। ये घटना ना मतलब आई एम रियली सॉरी टू से यार, आई एम नॉट, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है यार ये घटना, मतलब इस तरह की चीजें तो ना आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपन देख रहे थे ना, इसलिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केसेस चलते ही रहते हैं इसराइल और फिलिस्तीन के, वो बहुत समय से चलते चले आ रहे हैं। लेकिन इस तरह से बम मारने वाली घटना अभी मई 2021 के बाद अभी हुई, तो ठीक है अनफॉर्चुनेट है बट इसका कुछ कर नहीं सकते। तो मई 2021 के बाद अभी ये घटना हुई है,
आई एम रियली सॉरी बट ऐसा चलता रहेगा ऐसा लगता है दोस्तों। मैंने आपको बोला ये इसराइल की जमीन है, यहाँ पे जॉर्डन नदी बहती है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, और यहाँ पे गाजा पट्टी है जिसको मैं जी लिख देता हूँ। अब गाजा पट्टी में क्या हुआ था, आज से काफी साल पहले चुनाव हुआ था और यहाँ से हमास बना था, हमास एक पोलिटिकल पार्टी बनी, हमास मतलब हमास एक कम्युनिटी एक्चुअली, ये 2005-2006 की बात है दोस्तों। तो इनका कहना है कि हम असली पैलेस्टीनियंस, हम लोग हैं असली पैलेस्टीनियंस। और यहाँ पे दोस्तों वेस्ट बैंक में आपको एक और कम्युनिटी मिलेगी फतह। तो पूरे मिडिल ईस्ट में ना कुछ कंट्रीज ऐसे जो हमास को सपोर्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे जो फतह को सपोर्ट करते हैं, समझ में आएगा दोस्तों। तो कुछ कंट्रीज ऐसे जो फतह को सपोर्ट करते हैं, कुछ हमास को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इनका कंफ्लिक्ट चलता रहता है, इसराइल का कंफ्लिक्ट चलता रहता है। बाद में यह हुआ था 1996 की बात है, इसराइल ने क्या किया था, यहां पर एक बॉर्डर बना दिया, जैसे वो क्या बोलते हैं बर्लिन वॉल बनी थी ना जर्मनी में, तो बर्लिन वॉल जब बनी थी उसी तरह से समझ लो यहाँ पे एक ना बैरियर बना था 1996 में। इसके बाद फिर एक्सक्यूज मी गाजन्स जो है, ये गाजा के जो लोग हैं यहां से क्रॉस करके इधर नहीं आ सकते थे किसी भी चीज के लिए, एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से बना दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज चलती रहती है। तो आज के टाइम पे पैलेस्टीनियंस, ये जो पैलेस्टीन कंट्री तो दुनिया में खैर कोई नहीं बोल सकता, ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी, ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी बोलते हैं, सो कंट्री तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन पैलेस्टीनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो ये इस तरह से इसराइल का और पैलेस्टीन का कंफ्लिक्ट चलता रहता है, और गाजा और वेस्ट बैंक का मतलब हमास और फतह का कंफ्लिक्ट अपने आप में चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ये वाला पॉइंट। तो भाई अब इसराइल ने बोला अपन लोग रिटेलिएट करेंगे, जैसा भी अभी देखेंगे रिटेलिएशन जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलो, भाई फतह हमास मैंने लिख के दे दिया, इसको आप पढ़ लेना, पैलेस्टीन अथॉरिटी सब मैंने शॉर्ट में सब लिख के दे दिया, जो जो मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। बैरियर वैरियर सब लिख दिया मैंने, क्या क्या है वो गाजा स्ट्रिप सब बता दिया दोस्तों। एक बार अनअकैडमी की वेबसाइट में ऐप में जाइएगा और आपको एक बहुत गजब का कॉम्बो ऑफर मिलेगा, एक बार चाहे तो देख सकते हैं, और आपको मन करे तो ये कोड यूज कीजिएगा ST26, ST मतलब मैं, 26 अपना बर्थडे, तो आप चाहो तो आप यूज कर लेना। पांचवें टॉपिक में आता दोस्तों, एक बात आप समझिए दोस्तों क्या होता है, अभी पूरी दुनिया में जो कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, तो टेस्टिंग जो होती है ना एक ऑफसेट क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है दोस्तों एक ट्रेड ऑफ क्रिएट होता है। ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है ना, जितनी एक सिंपल सी भाषा आपको बताता हूँ, जितने भी कोविड के टेस्ट होते हैं ना इसमें ट्रेड ऑफ है। क्या ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंसिंग वाली चीज को आपको बोल रहा हूँ। साथ चल रहे सभी लोग मेरे, एक बार सभी लोग साथ चल रहे तो दिल बनाते जाओ यार, दिल बनाते जाएंगे अगर आप लोग साथ चल रहे तो, एक एक चीज सुपर तरीके से साथ चल रहे। 40 से 45 मिनट मुझे चाहिए, 35 मिनट आप लोगों ने मेरे साथ अभी बैठ चुके हैं, 10 मिनट और लूंगा, 10 से 15 मिनट उससे ज्यादा लूंगा नहीं, 9 बजे तो अपना सेशन है यार अनअकैडमी के प्लस का। सभी लोग साथ चल रहे तो गजब तरीके से एक बार दिल बना देंगे दोस्तों, सुपर तरीके से, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेड ऑफ चलता है, और वो ट्रेड ऑफ क्या, ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंसिंग। तो क्या होता है दोस्तों, कोविड के जितने भी टेस्ट जो भी सुनते हो आप, RT-PCR से लेके एंटीजन एंटीबॉडी जो भी टेस्ट आप सुनते हो, एक मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, जितना ज्यादा टाइम जितने ज्यादा एक्यूरेसी पे आप जाओगे ना, आपको क्या होता है ना यार, कोई कोई चीज का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए ना तो टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, सीधी सी बात है। खड़ाकट जब टेस्ट होता है ना उसमें एक्यूरेसी परसेंटेज गिर जाता है, ठीक है, एक सीधी सी बात है, मतलब इतना भी कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। 100% श्योर तो आप किसी टेस्ट को नहीं बोल सकते, लेकिन RT-PCR को फिर भी द गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट जो पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मतलब मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला यार न्यू कोविड टेस्ट यूजिंग पेंसिल लेड। अरे क्या बात है यार, तो उन्होंने बोला कि यार सुनो, हम लोग पेंसिल लेड को यूज करके भी कोरोना का टेस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा कहना था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का, बहुत बढ़िया है। और उन्होंने बोला ये मस्त सस्ता और बहुत तेज तरीका है और ज्यादा एक्यूरेट है कोविड के डायग्नोस्टिक टेस्ट का, ये बढ़िया है। तो इन्होंने बोला कि यार आपको ना इसमें इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे टेस्ट डेवलप होगा मैं आपके साथ उसको लेके आऊंगा। न्यू फास्टर चीपर कोविड टेस्ट, फास्टर चीपर एक्यूरेट भी लिखना चाहिए, इनको एक्यूरेट भी है। आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो मतलब मैं आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, यूएस की कोई अखबार को उठा के, तो उसमें एक्यूरेट भी लिखा हुआ, ज्यादा एक्यूरेट लिखा हुआ है, एक वर्ड और आना चाहिए यहाँ पे, एक्यूरेट। COVID-19 टेस्ट यूज पेंसिल लेड, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे डेवलप होगा मैं आपको उसको बता दूंगा, लेकिन बढ़िया है, ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया कितना फर्क पड़ेगा सर कीमत में, तो ऐसा कहा है कि आपको ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, एंड जो कॉस्टिंग होगा टोटल जो पर टेस्ट कॉस्टिंग होगा उसमें आप देखेंगे ना तो $1.50 के आसपास उसमें रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, $1.50, ठीक है दोस्तों। ग्रेफाइट आप जानते हो, ये रहा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कार्बन के एलिमेंट्स का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागन के फॉर्म में होता है, एंड इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का ही। ये एक्यूरेसी वर्सेस टाइम में उसी चीज को यहां पर लिखा था। ग्रेफाइट के लिए दोस्तों एक और वर्ड बोलते हैं प्लम बैगो, बोलते हैं प्लम बैगो, याद रखिएगा ये नाम आएगा दोस्तों, लिखा हुआ देखिए बोर्ड पे प्लम बैगो लिखा हुआ, ग्रेफाइट को बोलते हैं प्लम बैगो, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
कार्बन के स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट सबसे अधिक स्टेबल होता है, इसलिए ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू डायमंड। अगर आप एक्सट्रीम प्रेशर लगाते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर में इसी ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है, और बाकी तो फिर यूसेज वगैरह रहता है, ये पेंसिल्स में लुब्रिकेंट्स में यूज करते हैं। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट जो है, अपने इंजीनियरिंग वाले तो अपन ये जानते हैं कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोड्स में, बैटरीज में, सोलर पैनल्स में ग्रेफाइट काफी यूज होता है। मेनली ग्रेफाइट जो है ना, अब जो नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट होता है, मेजरली अगर आप देखेंगे तो दो तीन अलग अलग फॉर्म्स में आता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है। कांच लगे यार, ये रहा तो सबसे पहले आप बोर्ड में देखेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ग्रेफाइट जो होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अमॉर्फस ग्रेफाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, लंप ग्रेफाइट, ये सब हम लोग स्कूल में साइंस में पढ़े, मैं सोचा ऐसे मनोरंजन के लिए रख देता हूं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो उसमें इस तरह से होता है, और नेचुरली अकरिंग जो ग्रेफाइट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना यार, उसमें भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो सेडिमेंटेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आपको यहां पे मिलेगा ग्रेफाइट जो है, ठीक है। चलिए यहां तक चलते हैं दोस्तों, आप लोग चाहे तो बहुत स्मार्टली इस चीज को ना स्मार्टली यूज कीजिएगा मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है। जैसे मेरा कोर्स अभी 16th को लॉन्च हुआ है, 15th नवंबर तक पढ़ाने वाला हूं मैं, आपके एक आध दो सब्जेक्ट और वीक है तो क्या कर सकते हो ना आप, ये दो में से कोई एक मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपकी इच्छा है तो दो तीन सब्जेक्ट को बंडल कर सकते हो, ये कोड लगा देना और इसमें आपको अच्छा ऑफर हो जाएगा ST26, और 3 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे 1 साल की तैयारी करना ही है तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, 12 से 18 महीने का आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। इतनी देर से पेन रखा हूं, हाथ से लिख रहा था, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन ये हो गया दोस्तों। तो इस टाइप से आप उसको अपने हिसाब से देखना, ये कोड लगा सकते हो ST26, मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, और गजब तरीके से यूज करना। दोस्तों यहां तक सब साथ चल रहे तो दिल की नदियां बहा दो ना यार, इतना भी क्या संकोच करना यार, बहा दो दिल की नदियां बहा दो। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेरे पास 4 मिनट बचा है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया 40 से 45 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बाइडेन साहब छुट्टियां बिता के आए, और बाइडेन साहब से सब सीधा सवाल पूछा कि सर जी अब तो बताना पड़ेगा कि क्या लगा सर, गलती किए ना सर, बताइए सर अफगानिस्तान से अपनी फौज निकाल के देखिए सर, लोग कितना रो बिलख रहे हैं वहां पे, जहाज से गिर गए सर, देखिए आप फोटोग्राफ देखिए, वीडियोस देखिए, आपका दिल पसीजा नहीं सर इसको देख के, पूरी दुनिया में सर इतने बातें हो रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, आप खुद बताइए सर गड़बड़ नहीं किया क्या सर आप लोगों ने। तो बाइडेन साहब ने बोला बिल्कुल गड़बड़ नहीं किया यार, हम लोगों ने एक बात आइए, क्या हम अपनी फौज के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते क्या यार, वो उस देश के खुद से लोग लड़ने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान टेरिटरीज को, सॉरी तालिबान टेरिटरी को नहीं जीत रहा है, अफगानिस्तान के जो आर्मी, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो टेरिटरी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यार, हमने तो सारा का सारा ट्रेनिंग दिया हुआ था, तो ये जो आप ब्लेम कर रहे हैं हमारे ऊपर यार, ये गलत ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा बाइडेन साहब का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा बाइडेन साहब ने कहा, पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, बाइडेन साहब ने कहा कि 20 साल से हमारी फौज वहां पे थी, अब हमको ये चीज समझ में आ गई कि अफगानिस्तान से निकलने का कोई भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, अरे लड़ना तो पड़ेगा ना अपनी जमीन को बचाने के लिए, कि अपनी जमीन ही छोड़ छोड़ के भाग जाओगे यार, आप एक बात आइए, अगर कभी भी वहां से निकलने का परफेक्ट टाइम नहीं है तो क्या हम अपनी फौज को वहां पर मरने दें क्या, आप एक बात आइए, हमने तो सिखाया अफगान की फोर्सेस को लड़ना कैसे है, हम लोगों ने उनको सैलरी दिया, सब कुछ दिया, एक से एक हथियार दिया, अरे इतने अच्छे हथियार तो कई कंट्रीज के पास नहीं, कई हमारे नेटो एलाइज के पास नहीं है, जैसे हथियार हम लोगों ने इनको दिया, इनको दे रखा है। सर एक बात आइए कि यूनाइटेड स्टेट्स से फौज को निकाले क्यों, यूनाइटेड स्टेट्स का और बाइडेन साहब कहना है कि हो गया ना अपना टाइम हो गया था, मतलब सर हमको यह चाहिए था कि हमको ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है, वो हम लोग पकड़ लिए थे, और उसके अलावा हमको अफगानिस्तान की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना है, वो हम कर चुके यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से, और इसलिए इस एंडलेस वॉर को हम लोग खत्म करते हैं। आपको याद होगा तो जब बाइडेन साहब आए थे, बाइडेन साहब ने शुरू में बोला था अफगानिस्तान में रहते रहते यूनाइटेड स्टेट्स में 2 रिपब्लिकन राष्ट्रपति और 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति चेंज हो गए, मेरे कार्यकाल में अफगानिस्तान से फौज में निकालूंगा दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से, दुनिया के हिसाब, मतलब जितने बड़े क्रिटिक्सों का कहना है वो ये है, क्रिटिक्स का कहना है कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने गलती किया था, ये साइगॉन मतलब वियतनाम से फौज निकाला, जल्दी निकलो, यूनाइटेड स्टेट्स ने कैलकुलेट नहीं किया था उस जमाने में कि वियतनामीज, अरे बाप रे, गुरिल्ला युद्ध में इतने मास्टर लोगों क्या यार तुम लोग, मैं आपको किसी दिन पूरा वियतनाम का युद्ध आपको बताऊंगा दोस्तों, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगा दिया था यूएस ने, क्या तो फिर सामने की लड़ाई, अगर आप जानते हो दोस्तों तो वहां पे तो फिर केमिकल वेपन भी यूज किया था ना यूएस ने, नेपाम और एजेंट ऑरेंज भी यूज किया था, और लेकिन वियतनामीज को पता था कि उनकी लिमिटेशन क्या है, तो वो लोग क्या करते थे, लकड़ी के घर बना बना के रहते थे वहां पे, और ऐसे अंडरग्राउंड में ना यहां पे छुप छुप के रहते थे, और यूएस के सोल्जर धक 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 गन वन लेके तैयार एकदम लेटेस्ट, कहां हो जी कहां हो, बाहर एक बार आओ, एक गोली बस खाओ, एक गोली बस मारूंगा, चलो चलो जल्दी आओ, प्लीज आ जाओ, बाहर ही नहीं कर रहे बंदे,
और यहां पे त्रस्त हो गए यार यूएस के सोल्जर्स, वहां पे थक के परेशान इरिटेट हो गए थे और यहां से जुब 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 बाहर आते थे, ठा 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 मारे भाग गए, उनका हथियार लेके भाग गए। ये बहुत कॉमन हुआ था, जंगलों में छुप छुप के वियतनामीज लोग रहते थे, वियतनामीज सोल्जर्स रहते थे। अब दोस्तों इसके बाद क्या, ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स बना बना के रह रहे थे। यहां पे यूएस की फौज ने बोला मारो बम मारो जंगल में, जाके लकड़ी के घर बने हुए थे, लकड़ी के घर के घर उड़ा दिए। जब तक ये जहाज घूम के दोबारा आता था, ये लकड़ी के घर दोबारा खड़े रहते थे। सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से परेशान, यार ये तो बम मारा था कि नहीं मारा था इसमें, सर मारा तो था, इसी पे बम मारा था सर, पता नहीं चल रहा यार ये वो वाली घर है या दूसरा घर है। दोस्तों इरिटेट हो गए थे। बाद में आपको याद होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, तब रिचर्ड निक्सन साहब ने एक चीज पे वोट मांगा, लोगों ने उन्होंने कहा, और बाद में एक्चुअली ये भी हो गया था ना कि वहां पे जो 20-21 साल के लड़के लड़कियां भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट कर देते, कहां भेज दिए हो, कहां भेज दिए हमारे देश के लोगों को, हमारी आर्मी को कहां भेज दिए, वियतनाम तो हमको पता भी नहीं कहां पे है, क्यों भेजो आप लोग वहां पे, हमारी लड़ाई ही नहीं है वो तो इस तरह से। और अगर आप जानते होंगे तो वियतनाम में एंटर करने के लिए यूएस ने अपने ही जहाज को उड़ा दिया था, जिसका नाम था यूएस मैडॉक्स। अगर आपने नाम सुना होगा यूएस मैडॉक्स का दोस्तों, तो जहाज को उड़ा दिया और यूएस ने बोला कि नॉर्थ वियतनामीज तुमने हमारे जहाज उड़ाया, देखो बाबू हम लोग आ रहे हैं। ये पूरा वियतनाम जो एक जमाने में जापान का था दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम बना था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से पैरेलल पे डिवाइड किया गया था नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को। हालांकि आज की तारीख में वियतनाम कम्युनिस्ट है, भारत के साथ वियतनाम के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। वियतनाम भी वो कंट्री जो चाइनीज से एकदम त्रस्त हुआ पड़ा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाइना से वियतनाम भी त्रस्त है, चाहे वो वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, सब लोग भी त्रस्त बैठे हुए हैं। तो देखते हैं आगे चीजें कैसे पैन आउट होती है। वियतनाम को लेकिन उसके करेज के लिए जाना जाता है दोस्तों, वियतनाम अपनी जमीन पे कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी आर्मी वियतनाम में आके युद्ध जीत के नहीं गई है। एक मैं आपको बहुत गजब की चीज बताता हूं, इसमें ध्यान से सुनिएगा। तो ये सब घटना थी, आपको लगेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा वियतनाम का युद्ध फिर आपको बताऊंगा। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का भी युद्ध हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का भी युद्ध हुआ था, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के युद्ध को फॉरगॉटन वॉर कंसिडर किया जाता है। क्यों फॉरगॉटन वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड और वियतनाम दो महायुद्धों के बीच में हुआ था। वियतनाम में इतनी क्षति हुई थी यूएस को कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी यूएस को वहां पे एंटर करके। दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े क्रिटिक्सों का कहना है कि यह है अफगानिस्तान में जो चीज हुई है, बाइडेन साहब को दुनिया याद रखेगी और यूएस का इतिहास भूलने नहीं देगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने दो बार सिमिलर तरह की मिस्टेक कर दिया, जैसे वियतनाम में किया था और जैसे दूसरी बार वैसे ही अफगानिस्तान में कर दिया। पता नहीं, ये तो समय बताएगा, इतिहास बताएगा ऐसा क्या हुआ, ऐसा हो पाएगा कि नहीं। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताता हूं, और वो वाला स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया की जब सेकंड बड़ी ताकत जो है फर्स्ट बड़ी ताकत को चैलेंज करती है, उतने बार सारी चीजें बदलने लगती है दोस्तों, परिस्थिति बदलती है और आज भी वही हो रहा है। और ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स ने भांप लिया है कि यार दुनिया में ना वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसलिए हमारी फौज को यहां से निकालना पड़ेगा, और अगला एक्शन जो है वो मिडिल ईस्ट में नहीं होना है, अगला एक्शन होना है इंडो पैसिफिक रीजन में। और आपको यूएस की फौज आज भी तो कल डिप्लॉय होते हुए दिखेगी दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन में, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्वाड को मसल्स देते हुए दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स, क्वाड की आप क्वाड में कौन कौन से चार कंट्रीज है, जी कल भी बताया था आपको, क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो याद रखिए दोस्तों, ये क्वाड को खड़ा इसलिए किया गया इंडो पैसिफिक रीजन में, देखिएगा आने वाले टाइम पे फ्लैश पॉइंट क्रिएट होगा, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसा होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एंडलेस वॉर इस तरह से खत्म होता है, मेरे ख्याल से सभी लोग साथ चल रहे क्या यार, एकदम दिल की नदियां बहा दो ना यार। आखिरी पॉइंट पे आते दोस्तों, मेरी भी क्लास है इसके बाद, लास्ट पॉइंट पे आते दोस्तों, डेल्टा प्लस के ऊपर बताता हूं। भारत में अनफॉर्चुनेटली डेल्टा प्लस जिसको नेपाल का वेरियंट बोला जाता है दोस्तों, डेल्टा प्लस बेसिकली जो डेल्टा वेरियंट है ना दोस्तों, उसके स्पाइक प्रोटीन में चेंज होने से आया है। तो अभी ये देखा गया कि डेल्टा प्लस से यार अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस देखने को मिले, अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में कुछ केसेस देखने को मिले, और उसमें से एक लेडी जो 60 प्लस एज की थी, उनकी जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड थी, उनकी डेथ भी हो गई। ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे डेल्टा प्लस के वेरिएंट देखने को मिले, डेल्टा जिसको आप बोलते हैं B16172, B.1.617.2 उसको बोलते हैं, अब दोस्तों इंडियन वेरिएंट बोल देते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और जो डेल्टा प्लस है, इसका नाम वैसे डेल्टा वेरिएंट रखा WHO ने, अभी 31st of March 2021 की बात है दोस्तों। और इसी चीज को आप बोलते हो क्या, इसके जो स्पाइक प्रोटीन में जो चेंजेस हो जाते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट, या उसी को नेपलीज वेरिएंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक निकलता है डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, लेकिन अभी ना कुछ डेथ जो डेथ देखने को मिली है ये खतरनाक देखने को मिल गई, क्योंकि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड थी वो लेडी। देखते हैं डेल्टा प्लस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग जितनी अच्छी होती है हमको उतना पता चलता है कि और कितने वेरिएंट हो सकता है, हजारों और वेरिएंट होंगे, हम जीनोम सीक्वेंसिंग में हमको पता नहीं चला, दुनिया को पता नहीं चला है। वन ऑफ द फाइनेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग आपको यूके में होते मिलेगी, हमारे यहां पे जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसको बोलते हैं इंसा कॉग,
कहा गया, ये रहा इंसाकॉक, ये रहा दोस्तों हमारे यहाँ जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, इसको बोलते हैं अपन लोग इंसाकॉक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, याद रहेगा दोस्तों, एकदम सुपर। सर कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है जिसको आप बोल रहे हैं? ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, अभी अभी इसको स्टैब्लिश किया गया था, 25 दिसंबर 2020 को स्टैब्लिश किया गया था। ये जीनोम सीक्वेंसिंग करता है, पैटर्न वैटर्न बताता जीनोम का, वायरस का। तो ये सीन है दोस्तों। दोस्तों अब ये वाला टॉपिक आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब मेरी भी क्लास है, तो यहां तक इसको रखता हूं मैं। फेसबुक ने तालिबानियंस को और वो सब चीजों को बैन कर दिया, तो इस टॉपिक को या फिर मैं कल ले लूंगा। यहां तक सभी को सुपर तरीके से मजा आया दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से, खूंखार खतरनाक तरीके से मजा आया कि नहीं, एकदम सुपर तरीके से मजा आया सभी को। चलो जी दोस्तों, एक बार अगर क्लियर हो, मजा आए, हार्ट की नदियां बहा देना गजब टाइप से। 11 बजे मिलेंगे लड़कों, तैयार रहिएगा। और एक आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो आ रहा है अभी, क्या है? प्यार है तो पहुंचना है। सर ये क्या है? देखो अभी शॉर्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए, उसमें मैंने एक हैशटैग लगाया, प्यार है तो पहुंचना है भाई, और वो कमेंट बॉक्स में ट्वीट, मतलब वो भी करना, पोस्ट भी करना, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, ये जो कंटेंट है दोस्तों आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक न्यूज मैंने छोड़ा है, अपॉलॉजीज, या तो मैं कल ले लूंगा। 8 मिनट्स में मेरी क्लास एक्चुअली, ठीक है, यहां तक रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। जैसे ही वीडियो पब्लिक हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि जो हम लोग डेली मिलते हैं इसमें आपको मजा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।